बेसिकली एक बहुत बड़ा कैंपेन करने की ज़रूरत है। भारत सरकार ने बहुत समय पहले एक ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स एक्ट बनाया था, उसके तहत जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं डिफरेंट एरियाज़ में, उनको ऑलमोस्ट पेटेंट करने का मतलब अधिकार लोगों को मिला। तो जितने भी आर्टिज़न इस क्षेत्र में काम करते हैं या लोकल प्रोडक्ट्स हैं जिनका मिसयूज़ होने का डर रहता है, जैसे कुल्लू शाल है उसका मिसयूज़ होने का डर रहता है, कांगड़ा टी के नाम से कोई भी टी बेच देता है, तो उस सब के जब ये GI में रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसका मिसयूज़ का डर ख़त्म हो जाता है और जो बायर है उसको एक ग्रांटेड ओरिजिनल प्रोडक्ट उसको मिल जाता है। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे आर्टिजन्स हैं जो युगों युगों से जनरेशन से इस काम में लगे हुए हैं, उनको संरक्षण मिलता है, उनको इनकम जनरेशन एक्टिविटी में मदद मिलती है। तो इसको सरकार की मंशा है कि इसको प्रमोट करें, लोगों में जागृति पैदा करें, ताकि अगर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को किसी नाम से वो खरीद रहा है कंज्यूमर तो उसको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिले, इस बारे में व्यापक प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत है। तो उसी दिशा में ये कदम उठाया गया है कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को जागृत किया जाए कि ओरिजिनल प्रोडक्ट लेने हों तो GI मार्क को देखा जाए। इसको हम और भी IEC को बढ़ाएंगे और प्रचार प्रसार इसका करेंगे जैसे भी संभव होगा।